आज भी जारी है शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों से वार्ताकारों की बात। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं वार्ताकार। शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बोले संजय हेगड़े, जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक आपकी बात सुनी जाएगी। राजस्थान के नागौर में दलित पर अत्याचार, चोरी के आरोप में दलित युवकों से बर्बरता। गहलोत सरकार से बोले राहुल गांधी, तुरंत ले एक्शन। महंत नृत्य गोपाल दास को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध। ओएसी ने कसा तंज, कहा बाबरी विध्वंस के आरोपी को मिला इनाम, ये न्यू इंडिया है। राजस्थान सरकार ने अपना बजट 2020-21 किया पेश, बजट में किए गए कई ऐलान। निर्भया के गुनहगार का नया पैतरा, कोर्ट में विनय बोला सिजोफ्रेनिया का हूँ मरीज, मेडिकल चेकअप करवाने की अपील। ट्रंप की यात्रा से पहले बड़ी डील, अमेरिका से 9000 करोड़ रुपए में 24 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत। आज गृह मंत्री अमित शाह का अरुणाचल प्रदेश दौरा, दौरे पर चीन ने जताई आपत्ति, कहा यह राजनीतिक विश्वास पर प्रहार है। अरुणाचल प्रदेश में बोले अमित शाह, अनुच्छेद 371 नहीं हटाएगी सरकार, इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा। काशी महाकाल एक्सप्रेस का आधिकारिक सफर शुरू, आज बनारस से इंदौर के लिए हुई रवाना। प्रशांत किशोर आज लॉन्च करेंगे बात बिहार की कार्यक्रम, युवाओं पर रहेगा फोकस। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज 10वीं भारतीय छात्र संसद का करेंगे उद्घाटन, कई दिग्गज हस्तियां होंगी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब के दौरे पर, प्रकाश सिंह बादल से करेंगे मुलाकात। नितिन गडकरी ने सुप्रीम कोर्ट के आमंत्रण को स्वीकारा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट को देंगे जानकारी। कोरोना वायरस को लेकर वुहान में फंसे भारतीयों का आज किया जाएगा एयरलिफ्ट, वायुसेना का एयरक्राफ्ट विमान जाएगा चीन। जापानी जहाज में एक और भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित, ईरान में कोरोना वायरस से 2 लोगों की हुई मौत। जामिया हिंसा को लेकर यूनिवर्सिटी के 10 स्टूडेंट्स को नोटिस, पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच SIT ने बुलाया। CAA के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अगले महीने होगी सुनवाई। RSS प्रमुख मोहन भागवत का आज से 4 दिन का झारखंड दौरा, रांची में बोले भागवत, राष्ट्रवाद शब्द में हिटलर की झलक। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने और फंडिंग रोकने को लेकर दिया निर्देश, भारत की हुई कूटनीतिक जीत। झारखंड के गुमला में एक किसान ने वित्तीय संकट के कारण की आत्महत्या। झारखंड के पाकुड़ में 27 किलोग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने की छापेमारी, बिजली चोरी करने वाले 598 लोगों पर FIR दर्ज। 28 और 29 फरवरी को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। झारखंड के बकोरिया कांड को लेकर CBI जांच रुकवाने के लिए पुलिस ने कारोबारियों से वसूले 19 करोड़ रुपए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर्यावरण पोस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।